रहमान मियां। अरे वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, कैसे हैं आप? बताएं, सब खैरियत? हाँ खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमाइए कि आपका हमारे इस गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? आपकी किताबें तो हमने मदरसे में भिजवा ही दी थी। हाँ हाँ, किताबों के मुताले की तो काम था आपसे। इस बार जो किताबें भिजवाई हैं उसमें कुरान के कुछ सफ़ों में छपाई गलत मालूम पड़ रही है। जैसे कि ये देखिए, ये जिहाद के बारे में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये सब पहले नहीं लिखा हुआ था इतनी तफसील से। आज आपका पहला दिन है मदरसे में, खूब दिल लगाकर तालीम हासिल कीजिएगा। अब्बू, मदरसे में हमें क्या सिखाएंगे? मदरसे में आपको एक उम्दा इंसान बनने की तालीम दी जाएगी, इससे आप बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनेंगे, खुदा के बनाए हुए सब बंदों की मदद करना सीखेंगे, नेक राह पर चलेंगे। अरे मियां, मैंने कहा इस दफे इन सफों में इतना फेर बदल कैसे हो गया? जी हाँ, वो कुछ सफों को मैंने फिर से लिखा है। दरअसल कुछ लफ्ज़ों के मायने तफसील से लिखना ज़रूरी हो गया था, जिससे तालिब इल्म को उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अस्तग़फिरुल्लाह रहमान मियां, ऐसी गुस्ताखी करने की आप सोच भी कैसे सकते हैं? कुरान पाक अल्लाह ने लिखी है, उसमें गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं। आप फौरन सब की सब किताबें मदरसे से वापस मंगवाएं। गुस्ताखी माफ करें मौलवी साहब, ये किताबें इंसानों ने लिखी हैं, अल्लाह ने तो सिर्फ इंसान बनाए हैं। ये कुरान पाक, ये मजहब तो इंसान ने बनाया, और हर मजहब इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए रहनुमा है बस। अच्छा, तो अब आप हमको मजहब सिखाएंगे? आपके कहने का मतलब क्या है, हम मदरसे में बेहतर इंसान नहीं बनाते? जावेद, ये क्या कर रहा है? ये कहां जा रहा है? इस बुढ़ापे में मुझे छोड़कर कहां जा रहा है तू? अबू, मैंने फैसला कर लिया है, अब ये अल्लाह की दीवी जिंदगी मैं इस्लाम के लिए कुर्बान कर दूंगा। जो कोई मेरे मजहब के खिलाफ सर उठाएगा उसके सर की कुर्बानी अल्लाह को दूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद अब जिहाद है। ये क्या पागलपन सवार हो गया तुझ पर? किसने सिखाया है तुझे? कुरान पाक ने सिखाया है अब्बू। जो कोई इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसका सर कलम करके अल्लाह को दूंगा, यही मेरी जिंदगी का मकसद है, और अब्बू इसी से मेरी रूह को जन्नत मिलेगी। आप हट जाए अब्बू, मैं जा रहा हूं। जावेद रुक जा, अरे मेरे बुढ़ापे का तू अकेला सहारा है, अरे गलत रास्ते पर मत जा। अरे कहां खो गए रहमान मियां, बुढ़ापे में दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। हमने कहा कुराने पाक की सारी कापियां वापस मंगवाएं, और सुनिए ऐसी गुस्ताखी फिर कभी ना करें। आपको शायद खबर ना होगी कि मेरा एक ही बेटा था जिसे तालीम हासिल करने के लिए मैंने आपके मदरसे में भेजा। हाँ, ना जाने कुरान पाक से उसने क्या सीखा कि इस्लाम की हिफाजत के लिए वो लोगों की कुर्बानी देने के लिए निकल पड़ा। आपके बेटे ने नेक काम किया है, अल्लाह और इस्लाम की हिफाजत के लिए खुद की कुर्बानी दी है। जिस अल्लाह ने ये सारा जहां बनाया है, हम सबको बनाया, उसकी हिफाजत आप करेंगे कैसे? बेगुनाह इंसानों का सर कलम करके? अरे रहमान मियां, आप सठिया गए बुढ़ापे में। आपके बेटे ने नेक काम कर कुरान पाक को इज्जत और इस्लाम के लिए खुद की कुर्बानी दी है, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करेगा। जिसको कुरान की आयतें याद हैं उसकी जान बख्श दी जाएगी, और जिसको नहीं याद उसकी कुर्बानी दी जाएगी अल्लाह को। नहीं याद है ना, तो अब अफसोस करना जहन्नुम में कि क्यों याद नहीं की। तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ने तेरी जान बख्श दी, जा। और ये
भाईजान, इस्लाम धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता। काफिर ये लोग नहीं, काफिर तुम लोग हो। अरे वो बूढ़े, कहाँ खो जाता है तू? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन, पुराने पाक की सारी किताबें वापस मंगवा और सही करके भेज, नहीं तो फतवा निकला देंगे तेरा। निकलवा दीजिए फतवा मौलवी साहब, पर इस्लाम ने मुझे यही सिखाया है कि इंसान और इंसानियत मजहब से कई बड़े हैं। मैंने अपना बेटा खो दिया, शायद कुराने पाक से उसने कुछ गलत समझ लिया या उसको समझ ही नहीं आया। मैंने एक सच्चा मुसलमान होने के नाते अपना फर्ज निभाया है। अगर कोई भी किताब एक भी बच्चे को गुनहगार बना दे तो हमें सोचना होगा कि कहीं लोगों का भरोसा ही उस किताब से ना उठ जाए। और अगर कुछ कमियां हैं उस किताब में और उसको सही करके हम लोगों को गुमराह होने से बचा सकते हैं तो क्यों नहीं? रहमान मियां, अब तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं, पुराने पाक से खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने तुझे मदरसे में इंसान बनने के लिए भेजा था, हैवान बनने के लिए नहीं। ये तूने क्या कर डाला बेटा, मासूमों की जान ले ली। जावे राखी कर बेटा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। यही है वो काफिर जिसने कुराने पाक की बेइज्जती करी है। अल्लाह इसकी कुर्बानी कबूल करो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से।